नमस्कार, मूव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। नालंदा जिले में नूरसराय आता है और नूरसराय जगह पर उपेंद्र कुशवाहा का विहार यात्रा का आज मध्याह्न होगा, यानी यहां पर भोजन की प्रबंध भी की गई है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार अब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हुए यहीं तक पहुंचेंगे। देखिए, हम दिखाएंगे यहां पर खाने पीने की विधिवत व्यवस्थाएं की गई हैं और यहीं पर खाना वाना के लिए प्रबंध किया गया है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यक्रम का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं और जगह जगह जा कर के अपने संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ में बैठक कर अपनी जदयू के मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर जगह जगह जा रहे हैं और इस बार ये इनका सेकेंड लास्ट यात्रा आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद महज एक और यात्रा बसेगा और उस यात्रा में मुंगेर में बिहार यात्रा का समापन होने वाला है। आज नालंदा पहुंचे हैं, खासतौर पर नालंदा जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। जदयू पार्टी की तरफ से लगातार भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियाँ आपको नजर आएंगी। इस तैयारियों के बीच में लोगों की एक जनसैलाब भी आपको नजर आएगा। ऊपर में अभी से लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर के मुस्तैद हैं और इंतजार में लगे हुए हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को संगठनात्मक ढंग से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयानों के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूत बताते आ रहे हैं और अपनी पार्टी को नंबर वन की पार्टी बनाने में लगे हैं। वो बात अलग है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को उतना खास बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन हालात बद से बदतर भी नहीं है। हालात अब भी जदयू के अंडर कंट्रोल ही है, क्योंकि मुखिया बिहार के नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। नीतीश कुमार लगातार अन्य मुद्दों पर भी मुखर होकर के बोलते नजर आए हैं। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार के जगह जगह जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिलों में जाकर अपने समर्थकों के साथ, समर्थकों के बीच में पार्टी के मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के साथ पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी का जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे पीछे जो है ये काफ़ी यहाँ पर समर्थक इकट्ठे हुए हैं। और नालंदा जिला जबकि बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो यहाँ पर समर्थकों का जनसैलाब बेशक देखने को मिलेगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा जहाँ भी जा रहे हैं, समर्थकों का एक सैलाब जरूर उमड़ रहा है। हालांकि वो सैलाब वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति जदयू की रणनीति पर तय होती है। खासतौर पर जदयू के समर्थकों के बीच में आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी चर्चित नाम है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। बीच में अनबन के कारण उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग पार्टी जरूर बना ली थी, लेकिन एक बार फिर से साथ आकर के अब जदयू को बिहार में मजबूत करने में जुट गए हैं। जदयू को नंबर वन की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर भी आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।